काले धन को प्रोजेक्ट में खपाने के मामले में गुरुवार को दूसरे दिन भी आयकर विभाग की जांच जारी रही। सेक्टर 127 स्थित बिल्डर के घर से बुधवार देर रात जांच में 30 लाख रुपए से अधिक रकम बरामद की गई है। इसके अलावा दिल्ली में 3 स्थानों से लगभग 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जांच में नोएडा आयकर विभाग की टीम भी शामिल है। नोएडा में गुरुवार को 2 स्थानों पर जाम से लोग परेशान रहे। सेक्टर 15A फिल्म सिटी और निर्माणाधीन परथला फ्लाईओवर के आसपास जाम के कारण वाहन चालक 2 घंटे तक फंसे रहे। मार्च में होली पर खाद्य पदार्थों के 47 चीजों के नमूने लिए गए थे। गुरुवार को इसमें 21 खाद्य पदार्थों के नमूने की जांच आई है। इसमें 11 नमूने जांच में फेल मिले हैं। इसमें सबसे अधिक खोया, गुजिया, छेना मिठाई, नमकीन और सरसों के तेल शामिल है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन में 15 चौकी प्रभारियों सहित 26 दरोगाओं का तबादला हुआ है। पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक मेहर चंद को थाना फेज 2, दरोगा भूरी सिंह को प्रभारी चौकी पंचील, गोपाल अवस्थी को थाना फेज 2, विपिन कुमार को चौकी प्रभारी ककराला, देवेंद्र सिंह मलिक को थाना सेक्टर 63, रमेश चंद को प्रभारी चौकी 6RC, अलका चौधरी को प्रभारी चौकी सी ब्लॉक सेक्टर 63, रामचंद सिंह को थाना सेक्टर 63, कुलदीप कुमार को प्रभारी चौकी बहलौलपुर, राहुल कुमार को थाना सेक्टर 63, नीरज कुमार को प्रभारी चौकी एच ब्लॉक सेक्टर 63, धर्मवीर सिंह को थाना फेज 2, उपेंद्र को प्रभारी चौकी औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर, छविराम को थाना बादलपुर, अभिनंदन राजकुमार को प्रभारी चौकी डी पार्क इको टेक 3 बनाया गया है। सेक्टर 118 से सोसाइटी के सामने से बदमाशों ने 2 लोगों की कार से शीशे तोड़कर लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। प्रशांत सिसोदिया ने बुधवार को रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बदमाशों ने सेक्टर 118 के पास से उनकी कार का शीशा तोड़कर उसमें रखा लैपटॉप और कीमती सामान चोरी कर लिया। बदमाशों ने मनीष अग्रवाल की कार का शीशा तोड़कर भी लैपटॉप और कीमती मोबाइल फोन चोरी कर लिया है।